जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। परसों यही जगह पर मिले थे, आज फिर मिल रहे हैं। परसों आपने कुछ सुना था हमारे से, उसमें से कुछ काम लगा आपको, याद आता था बाद में, बातें याद आती थी, बस उसको याद करते रहना हर रोज। जीवन में उतारोगे तो बहुत ही शांति रह जाएगी। और कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मत करो, सिर्फ इतना ही सीखो, सुबह में उठते ही 5 बार दिल से जिस भगवान को मानते हो, इष्ट देव को याद करके दिल से 5 बार मांगो कि हे प्रभु, मेरे मन वचन काया से इस दुनिया में किसी को भी किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो, बिल्कुल दुख ना हो, ना हो, मेरे से दुख ना हो। ऐसा दिल से 5 बार प्रार्थना करो और फिर आप अपना जीवन शुभ उस दिन का शुरू करो। रोज ऐसा बोलते बोलते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके रोम रोम में यह भावना बस जाएगी और आप किसी को दुख नहीं दे पाओगे। देने से पहले आपको यह प्रार्थना की हुई है वो याद आएगी, मदद करेगी और अंदर से ही ब्रेक मारेगी। और यदि आपकी बिल्कुल भाव इच्छा नहीं है, फिर भी किसी को दुख लग गया, तो फिर उसका उपाय करो, तुरंत ही मन में जिसको दुखा उसका प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण यानी जो किया हुआ है उसका पश्चाताप, किसी को दुख दिया है उसका पश्चाताप करो। मन में जिसको दुख दिया है उसके आत्मा को, परमात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो और निश्चय करो कि दोबारा भी मुझे कभी किसी को दुख नहीं देना है। इतना दिल से माफ़ी मांग लोगे तो वहीं के वहीं आपका जो कर्म बंधा जा रहा था वह साफ हो जाएगा, नेक्स्ट जन्म के लिए यह कर्म नहीं बंधा जाएगा। तो जितने हृदय से और दिल से माफ़ी मांगोगे और पश्चाताप करोगे तो की हुई गलती माफ़ हो जाती है। और माफ़ी किससे मांगोगे, जिसको जिसके प्रति गलती हुई उसके भीतर में विराजमान परमात्मा से। भगवान हर एक जीव में है, हर एक जीव मात्र में है, छोटे में छोटे चींटी रहो या जीव जंतु रहे या बड़े से बड़े हाथी रहे या इंसान रहे, सब हर किसी के अंदर भगवान है। वेजिटेबल सब में, वनस्पति में, सब में भगवान है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा ही आत्मा सो परमात्मा, तो हर एक के अंदर विराजमान है। तो हम किसी को दुख देंगे तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान को दुख दे, ऐसा बराबर है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी की हिंसा नहीं करना। हमको लगता है कि हमें ऐसे दुख क्यों आ गए, तो ऐसे अचानक नहीं आते। हमने किसी को दुख दिए है तो ही हमको मिलेंगे दुख। वह हम भूल जाते हैं कि हमारी कुछ गलती होगी, हमने कुछ किसी को दुख दिया होगा तो हम भी आज हमको दुख मिल रहा है। तो उसके लिए आप दिल से पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो, माफ़ी मांगो तो आपका किया हुआ पाप धोया जाएगा और आप हल्के हो जाओगे तो आपका दुख कम हो जाएगा।
यही रीत है छूटने की कर्मों से। नहीं तो हम कर्मों के ऊपर कर्मों, कर्मों के ऊपर कर्मों, ढेर सारे कर्म बांधते ही जाते हैं, बांधते ही जाते हैं। छोड़ने की तो बात नहीं है, लेकिन बांधने की ही बात है। तरह तरह के कर्म बांधते हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से बंधे जाते हैं, और ये हमारे बड़े दुश्मन है। जितने जितने जागृति में रहोगे, उतने उतने आप कम कर्म बांधोगे, दुख भी आपको उतना ही कम आएगा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिएगा, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी से आपके सारे सवाल उसके जवाब मिले तो आपको समता होगी, शांति होगी। सवाल है कि मेरे 5 साल पहले एक्सीडेंट नाल 2-3 बंदे साढ़े गुजर गए। ऐसा है कि बिल्कुल शांति नहीं मिलती। पाठ करती हूँ, वही याद आते हैं। जितनी कोशिश करती हूँ पाठ में, उसमें मंदिर में, मेरे को भूलते नहीं है। एक लोभ तो क्रोध भी ज़्यादा है मेरे अंदर, क्रोध ज़्यादा हो जाता है। इतनी इतनी बात में क्रोध कर देती हूँ। क्रोध किस घर वालों पे ही होते हैं ज्यादा? हाँ जी, घर वालों में होता है, और किसी पे नहीं, घर वालों। और कहाँ कौन सुनेगा आपके क्रोध को, घर वाले ही सुन लेंगे। और नियम ऐसा है कि जहाँ हम राग और द्वेष से जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है जिससे, वहाँ ही यह हमारी प्रकृति क्रोध, मान, माया, लोभ की बाहर आती है। बाहर दूसरों के और तो हम बहुत सयाने होके बैठते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि वहाँ हमको मालूम है कि यहाँ हम कुछ क्रोध बोध करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमको कैसा सोचेंगे हमारे बारे में, हम गलत दिखेंगे। तो वहाँ तो एकदम सयाने होके बैठते हैं। और घर में ही ऐसा होता है कि घर में कौन हमारा बाहर जाकर कौन बुरा बोलने वाला है, घर वाले तो अपने मन में ही रख लेंगे। यानी घर में ही यह सब कुछ होता है। तो सच देखो तो जहाँ हमें रात दिन एक दूसरों के साथ रहना है, एक दूसरों के लिए जीना है, हम इतना सारा करते हैं, घर वालों को सुखी करने के लिए करते हैं, पति है, बच्चे हैं, बहू है, जो भी कोई है, हमारी इच्छा भावना यह है कि हम सबको सुख दें। लेकिन अनजाने में ये समझ नहीं आती है, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध आता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध, आपस में लड़ते हैं या कुछ है, या बच्चे के ऊपर भी ऐसी छोटी सी बात दोबारा कोई पूछ ले, मेरे को क्रोध आ जाता है। अभी क्रोध आने का 2 कारण है मुख्य। एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण ये है कि जब हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता है तब हमें क्रोध आ जाता है। घर में कोई हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं करता है तो तुरंत हमें क्रोध आता है, और हमारी मर्जी के मुताबिक कोई करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप खुद ही सोचो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ही लिए कितना कर सकते हो। आप अपने खुद के लिए सोचते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए तो भी हो जाता है, किसी को दुख पहुँचे ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो भी बोल देती हो। यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर सकती, तो औरों पे आप किस तरह से कंट्रोल कर सकोगी? अपने हाथ में नहीं है, इसलिए हम हमारे मर्जी के मुताबिक सब करें, कोई करे, ऐसा सोचना छोड़ दो। देखो आपका क्रोध बंद जब भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्म के हिसाब से चल रहा है, कर रहा है, वो भी अपने मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता है। हर किसी की मर्जी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, थोड़ी अपने वो सब कुछ होता है, अपने हाथ में नहीं है।
तो जो भी कोई करते हैं वो भी उनकी मर्जी से नहीं करते, उनके भी कर्म उनको करवाते हैं, संजोग उनको करवाते हैं, कर्म यानी संजोग, और उन संजोग से ही इंसान बंधन में है। तो आप जो भी कुछ करते, कोई भी कुछ करता है आपकी मर्जी के खिलाफ, कुछ होता है कोई करता है तो उसको स्वीकार कर लो। जैसे जैसे आप स्वीकार करती जाओगे वैसे वैसे आपको क्रोध नहीं आएगा। ये स्वीकार नहीं होता है ना, ऐसा क्यों करते हैं तो क्रोध आता है। नहीं, ऐसी कोई मर्जी की बात भी नहीं है, घर में बहुत ऐसे सब ठीक हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, बस छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है। ऐसी कोई एक बात एक दोबारा पूछ लेते हैं ना, मेरे को क्रोध आ जाता है। हाँ तो दोबारा हमारे घर में वैसे भगवान तो आपके लिए दूसरा कारण है। दूसरा कारण यह है क्रोध का कि हमारी बात अगर सामने वाला समझ नहीं लेता है और हम उसको कहते हैं और वो नहीं समझता है तो हमको क्रोध आ जाता है। इतनी सीधी बात है, क्यों समझते नहीं, क्यों पूछते हैं मुझे बार बार, क्यों पूछते हैं, बस यही बात है। इसलिए दूसरा कारण यही है क्योंकि हमारा दिमाग फास्ट चलता है, सामने वालों का ज़रा स्लो चलता है किसी का, तो आपकी बात सामने वाले को समझने में ज़रा टाइम लगेगा, तुरंत ही नहीं समझ पाता है। लेकिन आप इतनी उतावली है कि आप शांति से नहीं बैठ रही होगी, तुरंत ही उछल पड़ोगी, अरे इतना तो कहा नहीं समझ में आता है, करो बताते हैं, वैसा दोबारा दोबारा क्यों पूछ कर मेरा दिमाग खराब करते हो। वो दिमाग नहीं खराब करते, आपका दिमाग खराब है ही, इसलिए ऐसा होता है। तो उसको समझो कि सामने वाले को नहीं समझता है, उसका मतलब यह है कि उसको बेचारे के समझ में देर से आता है। कोई लाइट फट करके हो जाती है तो ये ट्यूब लाइट को होने को थोड़ी देर लगती है, तो उसमें उसका क्या गुनाह है। हर कोई इंसान अपनी अपनी प्रकृति लेके पैदा होता है, उस हिसाब से चलता है, तो उसको किसी को बार दो बारह तीन बारह कहने के बाद समझ में आता है, एक बार में नहीं समझ में आता है। तो हमें धीरज रख कर उसको दोबारा समझाना, तीन बार तो ही काम बनेगा। नहीं तो क्या होता है, हमारा फास्ट चलता है, सामने वाले का स्लो चलता है, तो दोनों आमने सामने आते ही पट्टी पट्टी टूट जाएगी। हम जिसने जिसका फास्ट चलता है ना, उसका वो स्लो कर सकता है, स्लो वाला फास्ट नहीं कर सकता है, उसको तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत एक दो जन्म लग जाएंगे, और आपको जल्दी हो सकता है। तो हर एक को देख के उसकी बात कहाँ कैसा समझता है, उसकी समझ शक्ति कितनी है, उस हिसाब से उसको शांति से बार 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 समझाना पड़ता है, तो ही आपको शांति रहेगी और सामने वाले को भी शांति रहेगी। नहीं तो आप उछल पड़ोगी तो सामने वाले का भी मुंह बिगड़ जाएगा, जाने दो इनके साथ बात ही नहीं करनी, इनको कुछ कहने जाते हैं तो ये उछल पड़ते हैं, क्रोध करते हैं, और इतना समझ करते करते ही क्रोध जाएगा। समझदारी समझ से ही जाता है, और कोई करने से क्रिया करने से नहीं जाता है। तो ये दो बातें याद में रखो कि अगर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो क्रोध करना गलत है, क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता है, वो बात नहीं है मर्जी की बात। और दूसरी बात कि हम और वैसी क्रोध आ जाता है, समझ नहीं आती, बस छोटी छोटी बात में लड़का भी एक बात करता है दोबारा पूछ ले उस क्रोध करती हूँ। ऐसा नहीं, घर में बहुत शांति है, घर में पति मेरे बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी ऐसे अच्छे हैं। तो दूसरी बात आप ख्याल में रखो कि दोबारा पूछने को आए, इसका मतलब है कि उनको पहली बार आपने बताया तो उनको समझ में नहीं आया और आपको समझाने नहीं आया, तो शांति से फिर से समझाओ, समझ में आया ना। और फिर अगर किसी को दुख हुआ तो मन में उसका प्रतिक्रमण करो, माफ़ी मांगो गलत हो गया, और दूसरे मिनट में ही अगर आप कहो तो बेटा सॉरी हाँ, तो भी लोगों उसको उसके मन में शांति हो जाएगी और आपको भी शांति हो जाएगी, हृदय से पश्चाताप करके कि गलत हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये करते जाओ तो माफ़ी मांगते जाओ, कुछ ना हो तो मन में भी माफ़ी मांगते जाओ,
तो भी आपका क्रोध कम होगा और सामने वाले को भी ठंडी ठंडक ठंडा हो जाएगा, वो भी उसको उसका दिमाग नहीं खराब होगा। आप आशीर्वादी के मान की शांति हो कि मैं हाँ हो आपको आशीर्वाद गुजर गया उनके पीछे मैंने बिल्कुल मान ना हो, दूर आपकी तरफ भगवान की तरफ हो हमेशा। हाँ मेरे मन की शांति मुझे चाहिए। आइए हम बताए उतना करो मन के क्रोध का शांति हो जाएगा और कलाना कल ज्ञान लेना तो बहुत शांति हो जाएगी। निरुमा ज्ञानी से क्या चीज पहले लेनी चाहिए, पुरुषार्थ के जो ये नॉलेज आप देते हैं, फिर कभी कभी तो ये जाती हैं आती हैं तो पुरुषार्थ से जाएगा कि सत्संग में बैठ के रेगुलरली ज्ञानी के पास रह के ही ये निकल जाएगी। ऐसा है ज्ञान लेने से आपका आत्मा जागृत तो हो जाएगा लेकिन उसको संभालना उसका आगे बढ़ाना वो काम आपका है, वो आपका पुरुषार्थ है। अंधेरा निकल गया उजाला हो जाएगा, अनंत काल का अंधेरा चले जाता है आत्मा का ज्ञान होने से, लेकिन बाद में उस उजाले में का उपयोग करना, ज्ञानी जो बताते हैं उस रास्ते से चलना वह आपका काम है। और इसके लिए हम आपको बताते हैं सारा रास्ता किस तरह से आपका जीवन बिताए ताकि नया कर्म ना बंधा जाए, पुराने कर्म पूरे हो जाए। उसके लिए हम पांच प्रिंसिपल्स बताते हैं, आप पांच आज्ञा देते हैं, वह समझ में रखने की ज़रूरत है जीवन में। उस समझ से चलने की बात है, बाहरी कोई चीज़ नहीं है उसमें, लेकिन अंदर की समझदारी है। और जितना हमारे साथ सत्संग में टच में रहो उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा। सत्संग तो बहुत कीमती चीज़ है, बाहर ने कुसंग 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 ही है, जिधर देखो तब उधर संसारी बातें हैं, आत्मा की बात नहीं सुननी मिलती है बाहर। जहाँ आत्मा की बात सुनना मिले पाना मिले वही सच्चा सत्संग है। उसमें जितना रहोगे उतना ही आपका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। हमारे पास आओ तो प्रत्यक्ष सत्संग होता है, उसकी तो बात ही कुछ और है। निरुमा कितनी चीज़ें जो टेम्प्री होती है वो लाइफ में सारे यही मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन नानी की कृपा कभी मिलेगी शिष्य को के जो सत्संग में रेगुलर आता है मेडिटेशन करता है, कि जो आप फाइव प्रिंसिपल्स की जो बात कर रहे हैं उसका जो डेस्टिनेशन होता है, फिर कृपा ऐसे अंदर से आएगी कि उसके बारे में कुछ कृपा मिलती है। अगर आप ज्ञानी की आज्ञा फॉलो करो तो ऑटोमेटिक कृपा मिलती है, और वो ज्ञानी की आज्ञा में रहने का बल तो आपको सत्संग उनके पास प्रत्यक्ष सत्संग से मिलता है। जितना ज़्यादा रो ज़्यादा शक्ति मिलती है। माता जी कई बार हमें जैसे पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, पहले से ही हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन हम सोचते हैं चलो हम सॉरी बोल देंगे, या काम करने के बाद हम सॉरी बोल देते हैं, या कोई पश्चाताप करते हैं गॉड से, या तो कन्फेस करते हैं या उसी पर्सन से हम सॉरी बोल देते हैं, तो क्या हमें माफ़ी मिल जाती है, या जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा पश्चाताप? हाँ, आप हृदय से पश्चाताप करें माफ़ी मांगे तो आपको सामने वाली व्यक्ति अगर माफ न भी करे तो भी कुदरत के कानून में आपको माफ़ी मिल जाती है। कई
कई बार तो जैसे हमें पता होता है कि हम इस आदमी को या कुछ गलत बोल रहे हैं, तो कई बार हम जैसे इंडिया में बोलते हैं कि गंगा में नहा लेंगे सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी, या अभी हमें पता हो हम सॉरी बोल दें तो वो भी क्या सही में माफ़ हो जाती हैं? नहीं, पता होने के बावजूद हम कहते हैं हम सॉरी बोल देंगे, चलो किसी को ज़बरदस्ती ऐसे बोलना तंग करना तो क्या माफ़ी भगवान दे देते हैं? हृदय से पश्चाताप हमने बताया है, पश्चाताप बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सोचें कि चलो उसको परेशान करें और बाद में सॉरी कह देंगे, लेकिन परेशान करने इतना करने के बाद भी अगर आप हृदय से पश्चाताप करके सॉरी करने जाओगे तो ज़रूर आप माफ़ी पाओगी। पश्चाताप की बहुत कीमत है। आपने कुछ भी कितना भी गलत करो लेकिन एक गलती पर आपको पश्चाताप होना चाहिए, होता है तो आप छूट जाती हो। गंगा में नहाने से कुछ पाप नहीं धोए जाते हैं। गंगा में तो 24 घंटे मछलियाँ माही रहती है लेकिन कुछ उनके पाप नहीं धोए थे। 24 घंटे नहाती है ना मछलियाँ, थोड़ी उनके पाप धोए जाते हैं। हाँ, आपका शरीर धोए जाता है, पाप नहीं धोए जाते। ये तो कहने की बातें हैं। पश्चाताप यही एक सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो वो माफ़ किया जाता है।